मिशन में है गायिका मृदुला। How are you? Fine and you? Yeah, I'm fine. मैं अभी कहाँ हूँ? मलेशिया में। अरे 3 घंटे पहले थी, अभी तो मैं चेन्नई में हूँ। अच्छा। हाँ भाई हाँ, तुम मुझे आने के लिए कह रही थी ना, इसीलिए 1 month, 2 month के लिए नहीं 3 months हॉलीडे पे आई हूँ। अच्छा, मैं जल्दी से पहुँच रही हूँ, हम सब साथ में एंजॉय करेंगे। ओके अच्छा बताओ मृदुला, देवी दीदी कैसी है? दीदी ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगी, तुम तैयार रहना, ठीक है? बाय। मृदुला तुम संभल कर, आराम से। ए,
मृदुला क्या हो गया तुम्हारे साथ? मृदुला मैं आज सुबह ही वापस आई, मुझे नहीं मालूम। वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम घर पे आना मैं सब बता दूंगी। ठीक है मैं चलती हूँ। दीदी मुझे वहाँ जो पेड़ है उसके पास ले चलो ना। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे आवाज देना। हाँ ठीक है। ठीक है। और फिर उसके कोने में गांठ लगानी है। ये भी बहुत आसान है। क्या मतलब? फिर तो आपको बताना होगा। अच्छा पहले गांठ लगा लो और फिर उसे कमर के चारों तरफ घुमाओ और प्लेटें डालो। अरे बाप रे बाप, ये क्या कर रही है आप? क्या मतलब? इस लड़की की तो कमर ही नहीं है, अगर होती भी तो उसके चारों तरफ लपेटने में पूरा एक महीना लग जाएगा और बेकार में आप एक महीने के लिए फंस जाएंगी, परेशानी में आ जाएंगी। मेरे बारे में तू नहीं जानता, मैं एक बार ठान लेती हूँ तो करके ही छोड़ती हूँ। अरे बाप रे, ये तो भयंकर औरत है। ए अरविंद तुम एक नौकर हो, बेकार में मेरी कमर के बारे में बात मत करो। सामने वाले घर में ड्राइवर हो तुम, अपने काम से काम रखो, मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ। अब मैं जो कहती हूँ वो सुनो। मामी क्या केबल कनेक्शन देने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है? नहीं नहीं आने दो, आने दो, पहले टीवी खरीद लो तब दिखाई देगा। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कैसे पता यार अपने। एकदम पागल है, कुछ अक्कल ही नहीं उसको। हाँ इतना मजा आया ना, फुल कॉमेडी था। हाँ अरे अंकल ये क्या हुआ आपको? हाँ आप जब भी आते हो मृदुला मृदुला करके चिल्ला कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके तमाशा कर देते हो। हाँ और इस बार आप किस लिए आए हो ये बताओ जरा। ये सब क्या है बेटी? हा? तुम अभी तक बच्ची की बच्ची। मैंने इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा था और तुमने उसे भी नकार दिया। देखो बेटी एक अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल होता है। आज लड़के तुमसे शादी करने के लिए लाइन में लगे हैं और तुम उन सबको मना कर रही हो। देखो बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम बस हाँ कर दो, मैं जाकर बाकी सब संभाल लूंगा। तुम बस हाँ कर दो। नहीं 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 प्लीज अंकल प्लीज। ऐसा चुप कर। हो गया दीदी, तुम चुप चुप क्यों बैठी हो? जाओ जाकर अंकल के लिए चाय लेकर आओ। जाओ बहस मत करो, चुप हो जाओ। तुम एक काम कर लो, अपनी सोच को बदलो कम से कम। अब तुम ही इसे समझाओ बेटी। देखो अंकल मेरी बात कहाँ सुनती है लोग, पता है आरती भी इसको पूरा सपोर्ट करती है। जब तक ये आरती इसके साथ है ये शादी के लिए राजी नहीं होगी। इसके बिगड़ने में आरती का हाथ है, इसीलिए पहले आरती की शादी करनी होगी। शादी करने के लिए
हाँ मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, बताइए लड़का कहाँ। मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। अच्छा, मैं बताऊँ मुझे कैसे पता लगेगा कौन है वो? ए बदमाश इनकी, आप तो सीरियस हो गए। बात बोलूं, तुम जो ऐसे नाच रही हो ना, ऐसे ऐसे नाचने के लिए मुझे भी एक चांस दो ना प्लीज। हाँ हाँ चांस मिलेगा, लेकिन हमारी एक कंडीशन है। ऐसी कौन सी शर्त लगा देने वाली हो? मुझे ड्राइवर के लिए काम पे रखा था, लेकिन उस काम के लिए कपड़ा धोना, पेड़ों में पानी डालना, ये सभी काम मैं तो करता हूँ। अब इससे ज्यादा और कौन सा काम करा लोगी तुम? कोई भी शर्त हो मैं तैयार हूँ। ठीक है, अभी तुम नाचने वाले हो, उसके लिए तैयार हो जाओ। ओके, चिल्ला क्यों रहे हो? पहले पैर छोड़, फिर चिल्लाना बंद करता हूँ। सॉरी सॉरी, गलती से दब गया, लेकिन तुमने बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, मर्दों से अपनी नफरत को निकालने के लिए मुझे औरत बनाकर अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन एक बात कहता हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। हा? मैं देखता हूँ तुम किस हद तक जा सकती हो। अब तुम लोग करो, मैं नहीं करूँगा। ये सब क्या हो रहा है? रात के 11 बज रहे हैं और तुम लोग नाच रही हो। चलो चलकर सब सो जाओ, चलो जल्दी चलो। ये आरती जब घर आती है सब कुछ उलट पुलट कर देती है। क्या है मृदुला, कल सुबह इलगिरी जाना है, कम से कम तुम जाकर सो जाओ। व्हाट इज, लोगों ने एक बात पर गौर किया, दीदी गुस्से में भी कितनी अच्छी लग रही है। जाओ तुम लोग, मुझे मस्ती मत लगाओ, मस्ती मत करो। दीदी आप भी हमारे साथ एक डांस कीजिए। डांस चलो ना, मत करो डांस करना पड़ेगा। दीदी आप भजिया अच्छा बनाती हैं, ये मुझे पता नहीं। मुकेश तुम्हारा जवान बहुत चलने लगी है। हाँ, रोज आपकी भजिया खा रहा हूँ ना, इसलिए चल रही है। सर कुछ दिखाऊं क्या? लेंगे आप भैया? हाँ? कंडी क्या भाव है दीदी? 160 रुपए की है। 50 के नहीं दोगे? हाँ, बहुत महंगा है। लगता है हमारे शहर के लोगों को मोल भाव किए बिना कोई भी सामान खरीदने की आदत ही नहीं रह गई है दीदी, है ना? सारे शहर को क्यों बदनाम कर रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा था दीदी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, रख लो। हाँ? अच्छा दीदी आपने ले ली ना? हाँ हाँ मैंने एक कंडी ले ली। अपने यहाँ से कोई भी ले लो। ले रही हूँ, ले रही हूँ बाबा। दीदी रुकिए, यहाँ आइए। मर गई, पता तो नहीं चल गया। हे भगवान, ये आपकी पायल तो दिखता है, ये आपकी है ना? अरे क्या हुआ, कुछ बोलिए भी। माफ करते बेटा। इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है, चीजों का ख्याल रखा करिए। दीदी लगता है चली गई, खुद की चीजों का कोई ख्याल ही नहीं रहता आजकल की औरतों को। आनंदी आ गई स्कूल से तू? सुगंधी चुप क्यों है तू, भाई से नाराज है क्या? टीचर ने हमें मारा। टीचर ने क्यों मारा तुझे, कोई गलती हुई? गणित की किताब नहीं थी इसलिए हमें मारा। गणित की किताब दिलाओगे भैया? मुझे भी चाहिए भैया। एलिगिरी आ गया, उतरो। हाँ
आखिर में एलगिरी पहुँच ही गए। अच्छा हुआ आरती नहीं आई, उसके रिश्तेदार तो जंगल में ही होंगे ना। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है ना। बहुत सुंदर जगह है। सही कहा। क्यों खरीदी? पता क्यों खरीदी तूने ये किताब? बोल। खाने के लाले पड़े हैं, पेट में खाना नहीं है और इसे गणित की किताब चाहिए। ये क्या पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाएगी क्या जो तू किताब खरीद के लाया? बोल तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरा बाप जायदाद नहीं छोड़ के गया है तेरे लिए? तेरी कमाई से घर चलता है, तू ही ऐसे लुटाएगा तो कैसे हम जिएंगे? पता पूरे दिन मेहनत करके कंडी बुनी थी, वो पैसा बर्बाद कर दिया। जो थोड़े पैसे मिले थे उसकी एक किताब लेके चलाया। इन किताबों को खाएगा क्या तू? बोल मुझे, बोल किसने किताब मांगी थी? किसने किताब मांगी थी बताओ मुझे? कैसे हिम्मत हुई तुम लोगों की? हाँ, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। इन्हें मत मारो, सारा पैसा बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। हटो, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा खुद का बेटा होता तो ऐसे धक्का देती क्या मुझे? अगर तेरी माँ होती तो क्या माफ नहीं करता तू? बोल, है ना बेटा? ऐसा मत कहो मौसी। सुन बेटा, तूने मेरी कोख से भले ही जन्म ना लिया हो, लेकिन तू मेरा बेटा है। देख, मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। बस कर मौसी। चल, ये सब छोड़, पहले खाना खा ले। मौसी, इन दोनों ने खाना नहीं खाया। तू खा ले बेटा। एए, आनंदी, आनंदी। अच्छा, कुछ नहीं कहूंगी। आनंदी, आनंदी, उठो बेटा, उठो। तुम्हारा भाई तुम्हारे बिना खाना ही नहीं खाता है, चाहे कितना भी खिलाऊं। कहता है बहनों को दो, बहनों को खिलाओ। हाँ, ले बेटा, तू भी खा ले। तुम्हारे प्यार के आगे मैं हार जाती हूँ। संभाल के चलना। अच्छा, सही बोला, यहाँ सांप या कीड़ा कोई भी हो सकता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कहीं गलती से मेरा पैर न दबा दो इसलिए कहा था। थैंक यू। लोग कहते हैं यहाँ पे भूत आत्मा का साया घूमता रहता है, क्या ये बात सच है? अरे ये सब बेकार की बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता इस दुनिया में, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? हाँ अरविंद, क्या है, तुम्हें भूत से डर नहीं लगता? मैं कैसे डरूंगा, मैं तो कभी नहीं डरा जिंदगी में किसी भी भूत प्रेत से। वैसे तुम लोग भी मत डरो, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, समझी? हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अरविंद तुम आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हो। क्यों नहीं जानता, भूत प्रेत चुड़ैल इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे साधारण अरविंद समझती हो क्या? लेकिन ऐसी बात नहीं है, मुझे भूत से डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार भूतों को ठेंगा दिखाने वाला परिवार है। हमारे खानदान में ये परंपरा बहुत पुरानी है। चलो आओ चलते हैं, मुझे सिर्फ गाड़ी चलाने नहीं आती, मैं भूतों को तो यूं भगा सकता हूँ चुटकी में। मेरे सामने भूत प्रेत की कोई औकात नहीं है। मेम साहब, मेम साहब, कहाँ गए ये लोग?
अरविंद को समझा क्या है तूने? अरे ये तो पेड़ है। मुझे डर नहीं लगता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ए मुझे छोड़ दो, मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी से नहीं डरता। अरे बचाओ, बचाओ मुझे। दीदी तोड़ डाले क्या? ए रुक, कटहल चाहिए तो बाजार से ले लेंगे। अरे जाओ बाजार से क्यों खरीदे, जब यहाँ पर तो फोकट में मिल रहा है यही तो डालते हैं। मेरी बात सुनो, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? अरे दीदी यहाँ पर कौन देखने वाला है? अरे आप आई आई क्या हुआ? कहियो क्या हुआ? आप लोग तो मुझे वहाँ अकेला छोड़ के आ गई, वहाँ तो अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, मैं तो सुन के डर ही गया। पर आप तो बहुत बहादुर है ना? वो तो मैं हूँ ही, आप लोग मेरे साथ थे और जब मैंने पीछे देखा तो आप लोग थी ही नहीं, और अब यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं आप। हाँ, ठीक है ठीक है। अरविंद जी हाँ। क्या आप ये फल हमारे लिए तोड़ देंगे? मना मत कीजिएगा। अरे अरे अरे, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो माली मुझे तोड़ देगा। देखा मैंने पहले कहा था, आप नहीं मान रही थी, ये कटहल तोड़ना अरविंद जी की बस की बात नहीं। ये क्या कह रही हो? अरविंद कितने बहादुर है, आफ्टर ऑल एक फल की बात है, तोड़ के नहीं दे सकते। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, खाली बात करना आता है इनको। अगर इस बार उन्होंने वाकई में फल तोड़ दिया तो तुम जो कहोगे मैं वो करूँ। तुम सिर्फ फल की बात कर रहे हो, ये तो पूरा पेड़ तोड़ देंगे, समझे? देखो अरविंद, मैंने तुम्हारे भरोसे पर शर्त लगाई है। तुम लोगों ने शर्त लगाई है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो मेरी तो वाट लग जाएगी। हम तो यही है, आप तो यहाँ हो लेकिन मैं रहूँगा या नहीं पता नहीं, अभी तोड़ता हूँ। चलो चलो आप लोग जाना बहुत अच्छा, मैं तोड़ता हूँ। तोड़ तोड़ ऑल द बेस्ट। कौन है? किसने आवाज दी? ये आवाज किसकी है? अरे मैं माली हूँ, तू कौन है? छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन, आप कहाँ चली गई? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने इसे अपने पत्नी और बच्चों के लिए बचा के रखा था छिछोरी कहीं के, पता नहीं कहाँ से मुफ्त का खाने के लिए आ जाते हैं। तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। मुझे माफ कर देना भैया, माफ कर देना। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन के टोकरी में आनंदी? सो रहे भैया। सुगंधी भैया, भैया देखो तुम्हारे लिए मैं क्या ला रहा हूँ। ओ ये अच्छा लगा ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भैया। अरे रे अब आगे, तूने ऐसा क्यों किया बता? बोल ऐसा क्यों किया? अपना खून बेचकर कपड़े खरीदने को किसने कहा था? बोल मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तू स्थिति में मर गई तो मेरी अर्थी को आग देने वाला एक बेटा है, लेकिन तू तो मुझे रोज रोज मार रहा है। बता कल तू अपनी कंडिया बेचकर इनके लिए किताब लाया था, और आज ये खून बेचकर इनके लिए कपड़े लाया है। हे भगवान, कल अपनी जान देकर क्या क्या करेगा हमारे लिए। नहीं, ये सब इनकी पढ़ाई के कारण हो रहा है। हे भगवान, यही दिन देखना था। तूने ये बहुत गलत किया है, सामान बेच के तू किताबें लाया था इनके लिए, इसी तरह से रोज खुद को मारेगा तो कैसे जिएगा बताओ? तेरे बाद कौन है हमारा, कौन देखभाल करेगा भारी? बोल। नहीं नहीं, ये सब पढ़ाई के कारण हुआ है, आज से लोगों की पढ़ाई बंद कर दूंगी मैं, नहीं पढ़ेंगी ये लोग, नहीं पढ़ेंगी। नहीं माँ, ऐसा मत करो, बंद करो ये पढ़ाई, आज लगा दूंगी किताबों में। ऐसा मत करो माँ, कोई नहीं पढ़ेगा, एक दिन इनकी पढ़ाई जान ले लेगी मेरे बेटे की। अपने सारे जो मैंने देखे पल भर में जो टूट गए, रोना ना रे तू रोना ना रे, किस्मत का ये खेल है रे, तू ना आंसू बहा मेरी प्यारी गुड़िया,
साथ ना छोड़ेगा तेरा राजा भैया। सुख और दुख है जीवन का दस्तूर, जीने का सहारा हो तुम मेरे आँखों कानू। सपने सारे जो मैंने देखे पल भर में जो टूट गए, रोना ना रे तू रोना ना रे, किस्मत का ये खेल है रे। तेरे लिए मेहनत मजदूरी मैं करूं, चाहे परेशानी आए मैं तो ना डरूं। कामयाबी मिले तुझे यही मैं चाहूं, तेरी खुशी छोड़ के ना और कुछ मांगूं। नजरें उतारू तेरी बलाए ना आए कभी, सुख और दुख में तेरे हमेशा रहूंगा मैं भी। माँ बाप की तरह मैं तुझे प्यार करूंगा रे, तेरी हर जिद को पूरा करूंगा ये वादा है रे। मेरे प्यारे भैया तुम सबसे प्यारे, लाखों हजारों में भैया मेरे। पूरे होंगे पूरे होंगे सपने हमारे पूरे होंगे, रोना ना रे तू रोना ना रे, हम मिलकर लड़ेंगे किस्मत से रे। जीवन के राह में कांटे मिलेंगे, हंस के सारे दर्द सह लेंगे, मुश्किल आए कोई ना हम बिछड़ेंगे, बिना घबरा के हम एक साथ लड़ेंगे। फूलों की तरह तुम महकते रहना, लोरी गा के सुनाऊं तुझे प्यारी बहना। आशीष देता हूँ सदा खुश रहना, सारी खुशी तुझे मिले कभी गम मिले ना। मेरे प्यारे भैया तुम सबसे प्यारे, लाखों हजारों में भैया मेरे। पूरे होंगे सपने हमारे पूरे होंगे, रोना ना रे किस्मत से रे। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने साथ मेरी बेटियों को पढ़ाई के लिए लेके जा रही हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपके जीवन में कभी कोई कमी ना हो। मेरा एक बेटा भी है जो अपनी बहनों को जान से ज्यादा प्यार करता है, और ये भी अपने भाई को बहुत प्यार करती है, उसके बिना नहीं रह सकती। बस यही सोच रही थी। बैग नहीं कितना सब कुछ बहुत अच्छा है भैया, ये देखो ज्योमेट्री बॉक्स भी दिलाया है, बहन के पास भी ऐसा ही है। हाँ भैया, ध्यान से पढ़ना, माँ का और भैया का खूब नाम रोशन करना जी। अरे अरे अरे,
एक सुंदर सी अमीर लड़की मिल जाए तो अपनी भी लाइफ सेट हो जाए यार, कोई मिल ही नहीं रही। अपनी अप्सरा तो यहाँ खड़ी है, इसे ही पटाता हूँ। यहाँ क्यों खड़े हो? क्यों, तुझे दिखता नहीं क्या मैं कार चलाता हूँ? वहाँ क्या दिख रहा है? शादी हो गई क्या? हो गई, दो बच्चे भी है। देखने से तो नहीं लगता। मैं तो अपने बारे में बात कर रहा था समझे, उसके बारे में नहीं कर रहा था। वो कौन है तुझे पता है? मुझे पता नहीं। करोड़पति है। सच कह रहे हो? एक बात बताता हूँ सुनो, उसे पैसे वाला नहीं दिल वाला लड़का चाहिए। जा जाके बात करके देख ले, शायद बात बन जाए। ओके थैंक यू सर। चप्पल से मारे तो चुपचाप खा लेना। वेरी वेरी थैंक्स। चल जा रे। बेचारा मुकेश कितना काम करता है, काम करते करते बहुत थक गया है। मुकेश तुम्हारा शर्ट बहुत अच्छा, ये कह रही है मैंने इनसे कहा ऐसा सुंदर ड्रेस पहन के तो यहाँ नहीं किसी इंटरनेशनल चैनल पर फैशन शो करना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना मुकेश? ठीक कह रहा है, ठीक है कह रहा है। ए मुकेश तुम्हारी पैंट बहुत अच्छी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लेटेस्ट फैशन का है। ए ये पैंट इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इसीलिए सब एक साथ चाचा खरीद लेना। हाँ इसके लिए सर हिला रहा है पागल। मुकेश अच्छा तुम नहाते हो, किस शैम्पू से नहाते हो मुकेश? आती तुम सबको कोई दूसरा काम नहीं है क्या? ए दिन भर खाली मस्ती करने आता है क्या तुम लोगों को? हाँ पढ़ लिख के तुम लोगों ने यही सिखा है क्या? मैंने कुछ नहीं किया इन लोगों से। चुप रहो, कितना भी समझा वही करते रहेंगे। जाओ यहाँ से। चलो मुकेश। जाने दीजिए, मजाक कर रही हूँ। हमारा मजाक करना लगता है पसंद आ गया। इसकी बातें पे ध्यान मत दो, ये तो बोलती रहती है। चलो मुकेश संभाल कर ले जा और किसी नदी या कुएं में धकेल दे, कम से कम तब तो नहाएगा। मुंह मत कर मोटी। देख लेना सब चलते हैं। देख ए, देख 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 ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मुकेश कहाँ है? ऊपर कमरे में दीदी। ठीक है तुम ये कपड़े ले जाकर अपने भैया को देना, उसको बता देना ये कपड़े अरविंद जी के हैं, आज पहन ले मैं कल दिला दूंगी उसे। ठीक है जल्दी जाओ। ठीक है दीदी। जल्दी जाकर देकर आओ। दीदी ये मुझे समझाओ ना। तुम पढ़ती कम हो और पूछती ज्यादा हो। इन कपड़ों में तुम्हें आरती और मेरी फ्रेंड्स लोग अगर देख लेंगे ना तो एकदम हैरान रह जाएंगे और ये सोचेंगे मुकेश या कोई और है। देखो मैं तुम्हें कैसे बदल देती हूँ, अब मैं देखती हूँ कोई तुम्हारा मजाक कैसे उड़ाता है। तुम दिल पे मत लेना, वो सब मेरे दोस्त है, मैं समझा दूंगी। लफंगे। लफंगा हूँ, चल अब दिखाता हूँ। चप्पल से मारेगी, मार के दिखा। मारेगी तो चप्पल से मारेगी, मत कैसे हो इसको। चल अरे हट। Come on.
तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, पता नहीं क्यों। तुम आते हो मेरे सपने में और ख्वाबों में भी। ए, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम यहाँ पे नहीं सो सकते। नहीं जाओ, चलो जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है, लेट जाओ, लेट जाओ यहाँ, सो जाओ, सो जाओ अभी, सो जाओ। ए, तुम्हारी ऐसे खून क्यों निकल रहा है? अरे रे, ये क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है क्या? पांच मिनट से रगड़ रही है, दर्द नहीं होगा? ए मृदुला, तुझे हुआ क्या? Thank you.
तुम बस गए सजनी, तुम मेरी सारी खुशी, तुम मेरी जिंदगी। रब से प्यारा ये बंधन, तेरा मेरा बंधन, सातों जन्म का है रिश्ता, तेरा मेरा सनम। तू ही मेरी आरजू, तू ही मेरी जुस्तजू, तू ही है मेरा खुदा, तुझ पे मैं हूँ जो फिदा। तुझको पाके मैंने पा लिया है ये दोनों जहाँ, ये दोनों जहाँ। धीरे धीरे प्यार तुमसे हो गया है मेरी प्यारी सजनी, चोरी चोरी चुपके दिल मेरा तुमने चुराया है सजनी। धीरे धीरे प्यार तुमसे हो गया है मेरी प्यारी सजनी, चोरी चोरी चुपके दिल मेरा तुमने चुराया है सजनी। ये प्यार का संगम, प्यारा सा संगम है, जन्मों का बंधन तेरा मेरा मिलना। तेरी सांसों की खुशबू से मेरी सांसें गुल मिल जाए रे, ओ मेरी सजनी, मेरी प्यारी सजनी। धीरे धीरे प्यार तुमसे हो गया है मेरी प्यारी सजनी, चोरी चोरी चुपके दिल मेरा तुमने चुराया है सजनी। अच्छी बात है, रिपोर्ट से पता चलता है कि ऑप्टिक नर्व मतलब देखने वाली नसें बिल्कुल ठीक हैं। ऑपरेशन करने से ठीक होने के 100% चांसेस हैं। फिर तो तुरंत ऑपरेशन कर सकते हैं अंकल। रुको रुको, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। पहले आई बैंक में अप्लाई करना होगा, आंखें मिल गई तो फिर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। कितना समय लगेगा अंकल? इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, आई बैंक में अप्लाई करने से पता नहीं वो लोग कब तक सूचित करेंगे, सीनियर बेसिस पर ही देते हैं। फिर भी अप्लाई करके देखते हैं। तुम फिकर मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाए क्या? आता हूँ अभी। ओके डॉक्टर। अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटी। मुकेश चलो चलते हैं, चलो। हे रागिनी, मैंने बहुत बार बर्फ को पिघलते हुए देखा है, मोमबत्ती को भी पिघलते हुए देखा है, लेकिन पहली बार पत्थर को पिघलते हुए देख रही हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था वो इतनी आसानी से पिघल जाएगा। हाँ वही तो, किसी ने कहा है ना, पिघलाने वाला मिल जाए तो कुछ भी पिघल सकता है। तुझे पता है रागिनी? क्या? कहते हैं कि प्यार तो अंधा होता है, लेकिन यहाँ तो प्रेम ही अंधा है। ये सब किस्मत की बात है, पूरी जिंदगी कुछ दिखेगा ही नहीं। अरे इसको क्या हुआ? पता नहीं। चल चल चल। मधुला क्या हुआ, क्यों रो रही है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी यार। तुम्हारे दिल को चोट लगी हो तो हमें माफ कर देना। सॉरी मृदुला, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, बुरा मत मानना, तुम जब रोती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। <laughs> <laughs> <laughs>
मैंने मैचिंग देखी है लेकिन पहली बार मैचिंग वाला बंदा देख रहा हूँ। सब कुछ काला पहन रखा है, चश्मा भी काला लगा रखा है। मेम साहब ने तुमको बदल के रख दिया। सर जरा ये पता बता सकते हैं? अच्छी तरह देख कर बताइए। पता पूछने पर हंस क्यों रहे हो? अरे देख नहीं सकते हैं, अगर इनसे पता पूछोगे तो कैसे बताएंगे? क्या ये देख नहीं सकते? मुझे माफ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं। वेरी वेरी सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं। सॉरी कहने पर भी हंस रहा है? और नहीं तो क्या, एक बार कह दिया काफी है। हैंड पंप की तरह एक ही बात को बार बार कहे जा रहे हो। अच्छा तुम देख कर बता दो। मैं देख सकता हूँ लेकिन बता नहीं सकता। क्या बोल रहे? पढ़ना लिखना नहीं आता ना? ऐ, मैं तुझे देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मजाक समझ के रखा है परवीन? हाँ? कोई मुझ पर तरस खाए मुझे बिल्कुल अच्छा हाँ? नहीं लगता, इसलिए तुम किसी को मत बोलो कि मैं अंधा हूँ। ये क्या बात हुई, तुम पे कोई तरस खाए? तुम नहीं चाहते हो? अब यहाँ खड़े हो जाओ, ये बस स्टॉप है। बस आए थे, हमें बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है मैं बता दूंगा। इसे मैं बताऊंगा तो पता चलेगा, ये उसे बताएगा। हंसो मत अरविंद, देखो जैसे ही बस आए मुझे बता देना ताकि मैं इसको बता सकूं। वैसे पास में और क्या क्या है? पास में एक छोटी सी, मेरा मतलब छोटी सी दुकान है। अरविंद पिछले हफ्ते हम इसी एरिया में घूमने के लिए आए। कब? पिछले हफ्ते। तुमको कुछ भी याद नहीं है? मैं भी ठीक है ठीक है। बस आ गई है। सर मुझे दिखाई नहीं देता, प्लीज बस में बिठा दीजिए। रुको रुको रुको। आज तक मेरे दिल को ये पता ही नहीं था कि प्यार आखिर कैसे होता है। आज तक इस दिल में प्यार की बहार आई ही नहीं, तुम ठंडी हवा का झोंका बनकर मेरे दिल में बस गए हो। अब मेरा दिल मेरे बस में नहीं बल्कि तुम्हारे बस में हो गया है, तुम्हारी मृदुला। आपने मेरा दुख देखकर मेरी मदद की तो मैंने जाना कि आप अच्छे इंसान हैं। हमें सड़क से उठाकर अपने घर में रखा तो मालूम चला कि आप में बहुत दया है। मेरी बहनों के साथ साथ आपने मुझे पढ़ाया तो मैंने जाना कि आप बहुत समझदार लड़की हैं। आपसे बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं, मतलब आप बहुत खूबसूरत हैं, आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन मुझ जैसे अंधे से आपको प्यार हो गया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे प्रति मेरी करुणा, दया, ज्ञान और सुंदरता को समझने वाले तुम मेरे मेरे प्यार को ही समझ नहीं पाए, है ना? तुम मेरे मन की बात को समझ नहीं पाए, है ना? मेरे प्यार को तुम एक दिन जरूर समझोगे, है ना? वो दिन जरूर आएगा, है ना? देखना मुकेश, जरूर समझोगे। मेरे प्यार के लिए तुम एक दिन जरूर तरसोगे, जरूर तरसोगे, मुझे यकीन है मुकेश। मृदुला जी, मृदुला आओ आओ बेटा बैठो। क्या बात है? हाँ कहो, परेशान लग रही हो बेटा? अंकल मुकेश की आंखें। हाँ उसी दिन अप्लाई कर दिया था बेटा, आंखें इतनी जल्दी नहीं मिलती, थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं अंकल, मुकेश का ऑपरेशन तुरंत करना होगा। मैंने एक फैसला लिया है, मुकेश ही मेरी जिंदगी है, आज के बाद मुकेश ही मेरा सब कुछ है, इसलिए मैंने अपनी दोनों आंखें उन्हें
देने का फैसला किया है अंकल। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने तुम्हें अकलमंद समझा था, तुम तो बेवकूफों की तरह बातें कर रही हो। नहीं अंकल, मैंने अपनी दोनों आंखों में देने का फैसला किया है। अंकल आपको मेरे साथ कोऑपरेशन करना ही पड़ेगा, प्लीज अंकल। पहले शादी करने के लिए राजी नहीं थी, फिर एक अंधे से शादी करने का फैसला कर लिया, उसमें भी मुझे कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन अब तुम अपनी आंखें देने की सोच रही हो, क्या ये सही है? तुम्हें खुद ये फैसला गलत नहीं लग रहा? जहां तक मुझे लगता है मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। पहले आप ये बताइए ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं? कैसे कर सकता हूँ? एज पर मेडिकल लॉ किसी भी जिंदा आदमी की आंखें नहीं निकाल सकते, निकालनी नहीं चाहिए। ठीक है अंकल, आपकी मेडिकल लॉ के अनुसार जिंदा इंसान की आंखें तो नहीं निकालेंगे ना, मरने के बाद तो निकालेंगे ना। ठीक, तब मैं मर जाती हूँ, उसके बाद मेरी आंखें उन्हें लगा दीजिएगा अंकल प्लीज। मृदुला, मृदुला बैठो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, सिट डाउन, सिट डाउन। जब तुमने कहा कि उसे आंखें देने वाली हो तो बहुत बड़ी बात लगी, लेकिन अब तुम उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गई, अब तो आंखें देने वाली बात बड़ी नहीं लग रही। ठीक है, मैं ऑपरेशन की पूरी तैयारी करता हूँ, अब तो खुश हो ना तुम, लेकिन हाँ जल्दबाजी में ऐसा वैसा कुछ मत करना, समझी? ठीक है अंकल। दुनिया का चक्कर लगाने वाले गणेश भगवान को ज्ञान का फल मिला था, मेरा चक्कर लगाओगी तो केला मिलेगा। अरे भगवान के लिए मुझे नहीं चाहिए। अच्छा मृदुला कहाँ है? वो पीछे है, तुम भी जाओ। ओके बाय। बाय दीदी, मलेशिया से आया सुटके सकेला पड़ा है, उसे संभालते हैं। जेनी तुम कब आई? मैं तो अभी आई। तेरी आंखों को क्या हुआ? वो एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम है, रहने दो ना, बाद में बताऊंगी। मुकेश ये कौन है? मुकेश ये देखो। क्या है ये? इसे कहते हैं ब्रेन लैंग्वेज। ब्रेन लैंग्वेज? ये किस लिए है? जो लोग देख नहीं सकते वो लोग इसकी मदद से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या मैं पढ़ लिख सकता हूँ? मैं सीख सकता हूँ? मुकेश मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मृदुला मुकेश आ रहे हैं। तुम्हारे प्यार को समझ गया मृदुला। और तुम्हारे मन को भी समझ गया मृदुला। मैं तुम्हारे प्यार को समझ गया मृदुला। रुको 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 मृदुला, मेरी बात सुनो। तुम्हें शांत करने के लिए
तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी थी। किसी की भी आंखें ऐसे ही नहीं निकल सकते। मुकेश के लिए आंखें कहीं और से मिल गई थी। मैं चाहता हूँ तुम और मुकेश हमेशा खुश रहो। अब तो खुश हो ना? थैंक यू अंकल, थैंक्स अ लॉट, बाय। तूने चुराया दिल, हाय खो गया दिल मेरा, तूने चुराया ना जाने कैसे खो गया। सब तुझे सौंप दिया, तुझे मैंने माना पिया। दिल की धड़कन में जानम तुम हो, सांसों में तुम हो, इस जहां में तुम सना प्यारा कोई मेरी जान तुम हो। मेरा तूने चुराया, दिल है खो गया। मन तुझको दे दिया है मैंने जाने मन, मेरे सपनों की तुम रानी हो, मैं तेरा हूँ साजन। तेरे छुवन से जाने दिल में कैसे जाए है हलचल, सुबह से शाम तक प्यार करूँ मैं संग संग मेरे चल। प्यार हमारा अमर रहेगा, देखेगा सारा जहां, ओ सजनी जीने की आरज़ू है, तू ही जीने की वजह। तुझे पके ही पा लिया है मैंने सारा जहां, छोटा सा आशिया हम तुम बनाएंगे, सुख दुख में एक दूजे के संग संग रह लेंगे। दिल मेरा तूने चुराया, ना जाने कैसे खो गया। निकाल दिया था, आज लेने आया हूँ। तो ये मेरी बीवी है, चल मेरे साथ, चल चल। दीदी, छोड़ो, छोड़ इसे। बहन बड़ी गायिका है, पैसे भी हैं, इसलिए नहीं चल रही है। लेकिन मैंने सोचा था तुम खुद आ जाओगी, लेकिन तुम आए नहीं। चल नहीं चल, अभी चल। अरे चल, कैसे नहीं चलेगी? छोड़। ये तेरे साथ नहीं जाएगी। अच्छा। मैंने कह दिया ना। पहले तो मेरे सामने खड़ी नहीं हो पाती थी, अब इतनी हिम्मत आ गई। हाँ, ये मेरी बीबी है, समझी? मैं इसके साथ कुछ भी करूँ तो पूछने वाली होती कौन है? बहुत जुबान चला, के साथ आना नहीं चाहती है ना? आप जाइए यहाँ से प्लीज। ओके सर, सॉरी सर, मैं चला जाता हूँ।
आपने कह दिया, मैं जाता हूँ। हाँ हाँ जाइए प्लीज। मैं चला जाऊंगा, वो मेरी बीवी है, उसे लेने आए, वो जा नहीं रही, समझाइए ना प्लीज। जब उन्होंने कहा कि वो नहीं आना चाहती, प्लीज समझाइए ना, जाइए ना प्लीज, मैं बोल रहा हूँ, बोल मेरी बात मत। बहुत जुबान चलाती है आजकल, तेरे पर निकल आए है ना, अभी बताता हूँ घर ले चल के। पुलिस स्टेशन आ रही है, चल छोड़ मुझे, नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं तुझे जान से मार दूंगा लेकिन तुझे यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा, चल। मैं भी तुझे छोड़ कर नहीं जाऊंगी, चल बैठ गाड़ी में। पुलिस को बुलाया ना तूने, देख लूंगा सबको, एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, चल 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 बाहर आके सबको देख लूंगा मैं। मस्ताना साथिया, तेरे में हो गई
आपने खा लिया? खाना खा लिया क्या? खा लिया मैंने। ये बताओ आपको मुझ में क्या पसंद है? तुम में? बोलो ना। आँख, नाक, लिप्स? नहीं नहीं। ए मेरा मतलब तुम्हारा मन। बात मत बदलो। अच्छा आंखें बंद करो। क्यों? बंद करो ना। बंद कर ली। आंखें खोलो। ये सब क्या है? आज लवर्स डे, ये मेरी तरफ से गिफ्ट, ताकि तुम मुझसे कभी जुदा ना हो सको। मुकेश कभी नहीं भूलूंगा। प्रॉमिस? मेरी बॉडी से मेरी जान जा सकती है, लेकिन मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। प्रॉमिस। धक 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 दिल मेरा धड़के जब से तुझे दिखा रे, आँखों ही आँखों में प्यार हो गया है, तेरे बिना दिल क्यों तरसे रे। मुझे देखकर गाने क्यों गा रही है? ओ हम नशी जान नशी, तू है जिंदगी मेरी जान। इसको क्या हो गया? कोई पागल वागल तो नहीं हो गई? जैनी गाने क्यों गा रही हो? वो सब जाने दो, मुझे सिनेमा जाना है, मुझे ले चलो। मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। क्या काम? काम? मैं मलेशिया से यहाँ घूमने आई हूँ, तुमको काम भी पड़ी है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, अब चलो मेरे साथ। हाय जेनी। हाय। मैं तुमसे बहुत मनी पड़ती हूँ। क्या हुआ मृदुला? क्या हुआ जेनी? अरे कुछ नहीं हुआ, मैं मुकेश से कह रही थी मुझे घुमाने ले चलो, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। क्यों मुकेश? अरे रे रे रे, सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ए मृदुला तुम तो तैयार खड़ी हो, मेरे साथ अस्पताल चलो ना बेटा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है चलिए। अरे मामी सिर दर्द के लिए किसी हॉस्पिटल क्यों जाना है? इधर बैठो, मैं अभी सही कर देती हूँ। तुम सही करोगी? इतनी सी होकर इलाज करोगी मेरा? चल अरे मामी मेरी बात सुनिए, ये कोरियन ट्रीटमेंट है, मलेशिया में हम इसी से सही करते हैं, आप आइए। ये तो गले ही पड़ गई है, मुझे नहीं जाना तेरे साथ। अरे मामी मेरी बात तो सुनिए, मेरी ट्रीटमेंट से आपका सर दर्द जरूर ठीक हो जाएगा, आप इधर आइए। बस आप इधर बैठ जाओ। अरे मेरे को कुछ हो गया तो? तू तो पीछे पड़ गई है। ठीक है रेडी? लड़ने वाली है क्या? अरे नहीं मामी आप बस बैठो। इंजी पुंजी चाचा, इंजी पुंजी चाचा, इंजी चा पुंजी चा, इंजी पुंजी चाचा। ये क्या इंजी पुंजी लगा रखी है? मुझे नहीं समझ में आता ये क्या इंजी पुंजी, ऐसे इलाज होता है क्या? देखिए मामी मेरी बात मानिए, अब मैं आपका ट्रीटमेंट शुरू कर रही हूँ, अब आप बिना हिले डुले चुपचाप बैठ जाइए और ट्रीटमेंट होने के बाद मुझे बताइएगा। अच्छा। इंजी पुंजी चाचा, इंजी पुंजी चाचा, इंजी चा पुंजी चा, इंजी पुंजी चाचा। अब कैसा लग रहा है? वाकई बहुत कम लग रहा है। ए जेनिफर सुबह का दर्द एकदम सही हो गया। हाँ यही है कोरियन ट्रीटमेंट। अरे रे रे रे, इंजी पुंजी चाचा, इंजी पुंजी चाचा, इंजी चा पुंजी चा, इंजी चा पुंजी चाचा। अरे रे रे रे, देखो सब इंजी पुंजी में लग गए हैं, सबके सर में दर्द है क्या? अरे देखो ना क्या हुआ इन लोग को, सब इंजी पुंजी कर रहे हैं। इंजी जा, इंजी पुंजी जा, इंजी जा। ए मृदुला मैं शॉपिंग के लिए मुकेश को अपने साथ ले जाऊं क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं मुकेश, तुम इसके साथ चले जाना। ओके बाय, कम मुकेश लेट्स गो। इंजी जा जा, इंजी जा पुंजी जा। Hey!
कर रहे हो? अंदर कितना मजा आ रहा है, अब खूब मजे करेंगे। आइसक्रीम खा रहे हो, वो भी अकेले अकेले? अरे ये तो मेरा वाला फ्लेवर है, दो ना। चलो खेलते हैं। मैंने कब मना किया? ये कौन सा खेल है तुम्हारा? तुम जो खेल रही थी वही। मैं तो स्किपिंग के लिए कह रही थी, यू नॉटी। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। 1 2 3 4 अरे लगता है ये अटक गया। रुको रुको रुको। अरे ये दिन दहाड़े क्या कर रहे तुम लोग? तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? रुई और आग को नजदीक रखना कितना गलत साबित हुआ। अरे अरे 50 किलो का ताजमहल ऐसे लुढ़क रहा है, इन लोगों को देखकर तो मेरे बदन में भी आग लगना शुरू हो गई है। आग लग रही है तो जाके जल्दी बुझा लो, वरना मुश्किल हो जाएगी। हाँ, टाइमिंग पे जोक मार रही हो? अरे भाई ऐसी बात है, 10 मिनट में तो कांड हो जाएगा। थैंक गॉड निकल गया, मेरे जान में भी जान आ गई। अरे रे मुकेश, मेरा टॉप फट गया, अब तुम्हें नया लेके देना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। अरे टॉप सी तो है, एक क्या 10 ले देंगे। सिर्फ टॉप सी क्यों, फूल मिठाई फल दिलाकर सीधे शादी ही कर लो। ये तो अच्छा आइडिया है। क्या? मैं तो कुछ और सोची थी। तुमने तो अच्छा आइडिया दे दिया। एनीवेज थैंक्स फॉर योर आइडिया। जेनी मैडम, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तू अपना खेल चालू रख बेटा, चालू रख अपना खेल, चालू रख तू। ए नाटक करने गया क्या? भैया तुमने कहा था हमारे साथ स्कूल चलोगे। जरूर चलेंगे, चलो। मुकेश मैं आ गई हूँ। कहाँ हो? मुकेश जल्दी आओ ना। क्या हुआ भैया, रुक क्यों गए? देखो मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में आऊंगा, ठीक है? बाय बाय बाय। अच्छा दुखी क्यों हो गए? मैं हूँ ना। हाँ अभी मैं 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, फिर हम घूमने जाएंगे, ठीक है? स्माइल स्माइल। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एक आए। हाय मौसी। ए आंखें आ गई तो पागल मत बन, वरना बाद में पछताएगा। ओके थैंक यू। जैसे खिलता गुलाब, जैसे पल में बदल जाएगा, पिघल जाएगा, मेरी मोहब्बत में कितना असर देखो ना। अरे रानी कहाँ जा रही हो, इधर तो आओ। ए, हमें भी तो एक नजर देख लो। हमेशा आप ही मजा लोगे क्या? क्या बात है, क्या बात है। ये कौन है यार, लफंगे कहीं छोड़ना यार, ध्यान की दे रही है। ए, 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 देख आ गया, भाषण देगा। अरे दे उसको माइक, दे माइक, दे माइक। इतना कला करेंगे उंगला कला के यमुना। चल 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 निकल यहाँ से, चल। हम्म
ए मुन्ना, मुझे एक बकरा आ रहा है, वो भी अंधा। नहीं बोला भाई। वो तो कह रहा था ये अंधा है, लेकिन ये तो आग मार रहा है। आ, मेरी कमर टूट गई। सॉरी सॉरी। ये क्लिप तुम ही लगा दो। ये लगा क्लिप। इधर आओ। सबको दूंगी, लेकिन एक कंडीशन है, तुम सबको इसे मारना होगा। जेनी, मेरे रहते हुए तुम इन सबको किस करोगी? अच्छा नहीं करूंगी, तुम इन सबको मारो, तुम्हें करूंगी। ठीक है फिर, मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना, तुम सबको किस करो, मैं चलता हूँ। ए मुकेश, सुनो तो। अरे यारो, इसका नाम जेनी है। जेनी चंगा, कल पहन के आऊंगा। चलेगा चलेगा, एवरीथिंग इज ओके। Please wait. One minute, huh? छोड़ने मत मुकेश। मुकेश समझ गए। ये रेड कलर तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा? You are looking gorgeous. आनंदी, इस चोट पे दवाई लगा देना। हाँ, अभी मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, तुम खुद जाकर ले लो। It's okay. रुको मैं लाती हूँ। सुगंधी जी, ये लो। थैंक यू। सड़क पर कंडी बनाने वाले का आंखें आते ही दिमाग खराब हो गया। मन बदलने वाले दुष्ट इंसान को दवाई चाहिए। मैं भी क्यों चुपचाप देख रही हूँ। माँ जी, अब रहने दीजिए। तुम चुप करो, तुम्हारे कारण चुप हूँ। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इस पर।
मन तो होता है झाड़ू से पूजा कर दूं इसकी। शक्ल देखिए इसकी। So sweet. So sweet. You are sweet. मृदुला, उसके जख्मों पर दवा लगाने गई थी ना तुम? लेकिन बदले भी मुकेश तुम्हें ही जख्म दे दिया। मेरा कहना है तुम सब भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। प्लीज मुकेश, तुमने आज तक कभी चोरी किया है क्या? क्यों, बोलो ना। तुम्हारे दिल के अलावा मैंने कुछ नहीं चुराया। ओ, ठीक है, अब मैं जो कहूंगी वो तुम्हें चोरी करके लाना पड़ेगा। ओके। अच्छा वो देखो, उस गमले में जो गुलाब है ना, वो तुम्हें मेरे लिए लाना पड़ेगा। वो गुलाब दुकान से ले आता हूँ। तुमको चोरी करके लाना पड़ेगा, मैंने बोल दिया ना, बस अब लाओ। ऐसा है क्या? तुम्हारे लिए गुलाब क्या, तारे भी ला सकता हूँ मैं। ओके। अरे ये मुकेश तो एक ही टाइम में दो दो चैनल चला रहा है, मेरे हाथ में तो एक भी नहीं आती है। अरे मुकेश रुको, सुन ये क्या है? ब्लैक एंड ब्लैक, इससे क्या समझ में आता है? अरे सामने से हट, तुमने भी काले कपड़े पहने और मैंने भी, लड़कियां फिदा हो जाएंगी तुम पर भी और मुझ पर भी। एक मिनट रुको रुको रुको, तुम रोज देते हो, आज मैं दूंगा। फूल लेके गया गमला, मुझे दे गया, आज मैं ये गमला देकर ही रहूंगा और बात करके भी रहूंगा। मेरी जाने मन कहाँ हो तुम? अरे अरे क्या कर भाई, अरविंद तूने क्या हालत बना रखी है, एक साथी ढूंढ रहा हूँ और वो भी नहीं मिल रही है, धिक्कार तेरी जिंदगी पे। हाँ, मैटर को ठीक करने के लिए एक क्वार्टर मारना जरूरी है। इसे उसमें ना मिलाकर उसे इसमें मिलाकर बताता हूँ कि अरविंद कौन है। आया मैम साहब, एक ही टाइम पे सबको काम याद आता है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। जल्दी करो जल्दी। मुकेश क्या हुआ? ये लो। कुछ अजीब सा, अजीब सा है, मृदुला ने रखी होगी। लगा के मैं प्यार करूं सजनी, दिल दे
कब हो गया मेरे बस में नहीं। मस्त रात है वो तेरा मेरा साथ है हो जाने दे जो होना है अब डरने की क्या बात है। लाज शर्म सब छोड़ के आ गए कहीं देरी मेरी ना हो जाए रुसवाए। लाज शर्म सब छोड़ के आ जा रुसवाई से क्या डरना है जान जा। तेरा जब साथ है फिर क्या डरना संग हमेशा प्यार तुझे हमेशा करूंगा संग संग मैं तेरे हर पल रहूंगा। हाथ पकड़ के छोड़ न देना बातें ही तोड़ न देना। झूठा मैं तो झूठा ही नहीं बात मेरी माने जा सजनी। अरे झूठा मैं तो झूठा ही नहीं बात मेरी माने जा सजनी। अरे कैसे नशा छा रहा मैं तो जानू जानू ना। अरे तंग ना कर ना तू छेड़ ना सजना। जेरी, जेरी, रुको ना, अरे कहाँ जा रही हो? अरे मामी, ये क्या गा रही हो आप? हंस चुगेगा दाना तिनका। ए बेटी, तुझे दिखता नहीं है क्या? मलेशिया वाली ने उस लड़के के साथ आतंक मचा रखा है। So sweet. मुकेश उधर देखो। गेटअप में मिलूंगा ठीक है ना? What getup यार? कल देखना तुम।
अच्छा मर गया। रोड के बीच में चलने से ठोक देते हैं, इसलिए किनारे पर चल रहा था, लेकिन तूने यहाँ पर भी आकर ठोक दिया। क्यों बे? यहाँ मैं चिल्ला रहा हूँ और तू कहाँ देख रहा है वहाँ पे? हाँ इधर देख, ये ले, नहीं तो कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। मृदुला कहाँ है? आज तो छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ तुम्हें? उठो, छोड़ो, हटो। अरे उठो, उठो प्लीज। बोले ना हटो, हटो। अब प्यार दिखा रहा है। मृदुला। अरे उठो भी। बोले ना। पैर में चोट आ गई है ना? आराम से लेट, लेट जाओ। लगता है ज्यादा चोट लग गई है। छोड़ो हटो, रहने दो, बोला ना। दिखाओ। आनंदी मूव ले आना। ओह वो तो स्कूल चली गई होगी, रुको मैं लेकर आता हूँ। अब देखना दर्द कैसे चूम अंतर हो जाता है। दिखाओ, दर्द ऐसे नहीं जाएगा, लगाने दो। वो टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट है? रुको मैं मूव लेकर आता हूँ। अरे दिखाओ भी। अब ऐसा मूव लगाऊंगा कि दर्द ही मूव हो जाएगा। हाँ देखना तुम। अब तुम आराम करो और सो जाओ। मुकेश। अरे अरे तुम सब यही हो, बहुत शांति से बैठे हो। तुम लोग ये क्या कर रही हो? ताश खेल रही हो? नहीं रे, चपाती बना रही है। तुम लोगों को चपाती तो बनानी चाहिए, लेकिन ताश खेल रही हो बैठ के। ये अकलमंदों का खेल तुम लोग क्यों खेल रहे हो? इसीलिए हम खेल रहे हैं। एक आदमी का मैं, तुम खेलोगे अरविंद? पहले खेलने के लिए तुम लोग बुलाओगी, फिर मेरे हाथ पैर तोड़ दोगी। ए ये क्या कर रही हो? 48 कार्ड रखकर खेल रही हो और तुम लोग देख रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाकर पहले चश्मा लगाओ। फालतू का यहाँ पे आके दिमाग मत लगाओ, इसकी बात पे ध्यान मत दो, तुम सब खेलो। उस हार्टिन को आगे करोगी तो खेल खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं खेलना बस। ठीक है, मेरा काम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं। मेरा खेल खत्म करके खुश होना तुम। हां जो भी समझो, जा जा। होमवर्क बराबर किया करो। ओके। बेटी कुछ नहीं होगा तुम्हें, रो मत। तुम बिल्कुल मत डरो। ये
नेक्स्ट आपका नंबर है। हाँ जाओ, अब अंदर जाओ। अरे बाप रे, तुम किसी से कुछ मत कहना, ठीक है ना? आंसू पोंछो, फिक्र मत करो। सब कुछ पैक कर लिया ना? हाँ। वहां पहुंचते ही फोन करना। ठीक है। जेनी, ये तोहफा ले जाके मम्मी पापा को दे देना, उन्हें बहुत पसंद आएगा। अच्छा मैं दे दूंगी, लेकिन मम्मी पापा के लिए दे दिया, मेरे लिए क्या? अच्छा ठीक है ऐसी कह रही थी, ज्यादा मत सोचो। अच्छा मृदुला, तुमसे एक बात कहनी थी। मैं मलेशिया अकेले नहीं जा रही हूँ, मुकेश को भी साथ लेके जा रही हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम मलेशिया कब आ रही हो? तुम्हारी शादी पर। हाँ जेनी, तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। हाँ? अब तुम्हें इंडिया सिर्फ तेरी शादी के लिए ही आऊंगी, ओके ना? फिर तो तुम इंडिया कभी आ ही नहीं सकती। हे, तुम क्या कह रही हो? तुम रो क्यों रही हो और इसका क्या मतलब है? बस ऐसे। हे मृदुला, व्हाट हैपेंड यार, एनीथिंग इज रॉन्ग? पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे मेरा कोई अपना हमेशा के लिए मुझसे बहुत दूर जा रहा है। और कोई बात नहीं है, तुम इतने दिन मेरे साथ थी ना, और अचानक से तुम्हारे मलेशिया चले जाने से वो मेरा मन बहुत उदास हो गया है। हे, इतनी सी बात के लिए रो रही है? एक फोन करना, मैं उड़ के आ जाऊंगी। डोंट फील बैड, ओके? अच्छा तुम अच्छे से मलेशिया जाओ, मुझे रिकॉर्डिंग के लिए देर हो रही है। अरविंद। हाँ मैडम। मुझे स्टूडियो में छोड़ करके जेनी और मुकेश को एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देना। दीदी। हाँ? मैं चलती हूँ। ओके बाय मृदुला। मृदुला। हाँ? अच्छी खासी लड़की को रुला दिया इस बदमाश ने, नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। क्या हुआ अंकल, क्या हुआ? नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्यों किया तूने ऐसा? कितने लड़के मृदुला से शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन सब को छोड़कर इसने तुमसे प्यार किया, और इसके बदले में तुमने क्या किया? अरे वो तेरे लिए अपनी आंखें ही नहीं अपनी जान देने को तैयार थी, और तूने क्या किया? चीज, गलती इसकी नहीं है, ये सड़क से उठा के ले आई, बस वही इसकी गलती है। उसे क्या पता था कि ये इतना धोखेबाज निकलेगा? अरे पापी, तुझे देखकर मेरा खून खौल रहा है, ऐसे खड़ा है जैसे कुछ जानता ही नहीं। सब कुछ हो गया, लेकिन ये बहुत बड़ा खड़ा है, इसे तो मैं देखता हूँ। देखो ना कैसा खड़ा बन रहा है। सुनिए तो अंकल, बोल 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 बोल। अरे बोलता क्यों नहीं? अंकल छोड़ दीजिए, तू कभी सुखी नहीं रहेगा, समझा? अंकल छोड़ दीजिए। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? अंकल क्या मिला तुझे? क्या बिगाड़ा था तेरा? बोल, इसने क्या बिगाड़ा था तेरा? अंकल छोड़ो मुझे। आप जैसा सोच रहे मुकेश वैसा नहीं है। जेनी प्लीज कुछ मत बोलना, प्लीज जेनी। तुम चुप रहो मुकेश। अंकल, मुकेश की आंखों की रोशनी आते ही मृदुला से ही सबसे पहले मिलने आ रहे थे अंकल, लेकिन अगले ही दिन उसे पता चला कि उसे हेपेटाइटिस बी वायरस का अटैक हुआ है। ये पीलिया की ही दूसरी किस्म है,
इसका ख्याल ना करने के कारण लीवर डैमेज हो गया है और ये फाइनल स्टेज है, डॉक्टर ने कह दिया। तब इन्होंने कहा कि मृदुला इन्हें भूल जाए, इसके लिए इनकी प्रेमिका का नाटक करने के लिए कहा। मैंने भी पहले इनकी प्रेमिका होने का नाटक किया, लेकिन मरते समय भी अपनी प्रेमिका को खुश देखने वाली इंसान को मैं ना चाहते हुए भी धीरे धीरे दिल दे बैठी। आज सुबह भी इनके चेकअप के लिए हम हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कुछ ही दिन बाकी है कह दिया। उन्हें मरता हुआ मैं देख नहीं सकती, इसीलिए जब ये जिंदा है तभी मैं मलेशिया जा रही हूँ। अब उनकी याद में ही जिंदगी बिता दूंगी। हे भगवान, इतनी बड़ी बीमारी मुझे क्यों नहीं लग गई? अभी तो तूने जिंदगी देखी भी नहीं है। हे भगवान, हे भगवान, तुझ पे करुणा नहीं है क्या? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये दोनों तेरे बिना जी नहीं सकती, अब कैसे जिंदा रहेंगी? बोल बेटा, बता मुझे, तू कैसे जिएंगे हम? कहता था इन्हें कलेक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा मैं, अब ये सपना कैसे पूरा करेगा? मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ। मैं ही पापन हूँ। ओए भगवान, मैं ही अपने बेटे को समझ नहीं पाई, क्या करूँ मैं, बताओ? मेरा बेटा इतनी तकलीफ सह रहा था और मुझे पता भी नहीं था, इतनी अभागी हूँ। बेटा मुकेश, ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मेरे लिए अपनी आंखें देने वाली मृदुला को मैंने अपना दिल दे दिया, लेकिन जब पता चला मैं कुछ दिन का मेहमान हूं तो मैं समझ गया इस जन्म में मृदुला मेरी कभी नहीं हो सकती है। डॉक्टर, तुम्हें मृदुला को ये सब बता देना चाहते थे, कुछ भी नहीं छुपाना था। डॉक्टर, सब कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, मेरी मृदुला ने एक अंधे से प्यार किया था। जब उसे मालूम चलता कि मेरी जिंदगी चार दिनों की है तो वो जी नहीं पाती, और मैं नहीं चाहता था कि मृदुला ये सब झेले। वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है डॉक्टर, जान भी दे सकती है मेरे लिए। मुकेश, तुम उसे मेरी मृदुला कहते हो, उसे बता दो, वरना वो तुम्हें बेवफा समझेगी। माँ जी, वो मुझे बेवफा समझेगी तो ऐसा ही होगा कि उसके पैर में कांटा चुभा कुछ दिन दुखता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो उस दुख को भूल जाएगी। अगर मैं उसे अपनी हालत बता देता तो वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। माँ जी, वो मुझसे बहुत प्यार करती, वो मेरा दर्द कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। हे ईश्वर, सच्चाई जाने बिना मैंने तुझे बुरा भला कह दिया, माफ कर दो मुकेश, माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ जी। मुकेश, मैं हमेशा तुमसे कहता था ना, अपना नाटक जब तक हो सके चला लो, लेकिन ऐसा नाटक रचकर तुमने तो सबको रुला दिया। भगवान के लिए मेरी हालत मृदुला से मत बताना, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। मैं जानता हूँ कि आनंदी और सुगंधी को मैंने बहुत दुख दिया है, लेकिन वो मेरी बहन है, वो मुझे माफ कर देंगी, आखिर वो मुझसे प्यार जो करती है। हेलो, तुम्हें आखिरी बार देखने का मन किया मृदुला, उसे कह मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, मैं कल नहीं टाइम दे सकती, मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे माफ कर देना मृदुला, आप अपना रिकॉर्डिंग किसी और दिन रखिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पहुँच जाऊँगा।
ओके सर, ओके नाउ वी कॉल फॉर दैट। तो ये क्या कर रहे थे आप? उसे क्यों मारना चाहते हैं आप? आखिर उसने आपको क्या बिगाड़ा है? बोलिए। वो गाय का मुर्दला ही थी ना? हाँ वो है। उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया था। सुन, मेरा भाई अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए गया था, लेकिन उसने उसको जेल भेज दिया और उसने शर्मिंदा होकर फांसी लगा ली। उसे छोड़ने के लिए बोला है, चला। कोई भी रोके, लेकिन उसकी मौत को कोई नहीं रोक सकता।
रास्ते पर कौन पड़ा है? लगता है कोई शराब पीकर पड़ा हुआ है। अरविंद जल्दी करो। आया मैम साहब।